स्टूडेंट्स, लास्ट क्लास में अपन ने क्लास 8 की साइंस में लेसन 1 एक्सप्लेन किया था, रीड किया था, जिसका नेम क्या था, क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। क्या? क्रॉप प्रोडक्शन एंड मैनेजमेंट। तो लास्ट क्लास में अपन ने वो सभी का सभी अपन ने एक्सप्लेन कर दिया था। अब इस क्लास में आपको उनमें कुछ इंपोर्टेंट डेफिनेशंस थी, तो वो अपन को कंप्लीट करना है, आज रीड करना है। तो इसमें से सबसे पहली डेफिनेशन मिलती है क्या, क्रॉप। हमने लास्ट टाइम बताया था एक पर्टिकुलर एरिया में ओनली वन टाइप के प्लांट को ग्रो करना क्या कहलाता है, क्रॉप कहलाता है। ये तो हमने एक एग्जाम डिफाइन किया था। अब इसकी प्रॉपर वर्ड टू वर्ड जो अपनी डेफिनेशन होती है वो क्या होगी, वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड जब कोई प्लांट के एक ही टाइप के प्लांट को क्या किया जाता है, कल्टीवेट किया जाता है। क्या किया जाता है, कल्टीवेट। और कब, और वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, बहुत एक लार्ज स्केल पे, एक पर्टिकुलर एरिया में या एक पर्टिकुलर प्लेस पे एक ही टाइप के या सेम काइंड के प्लांट कल्टीवेट किए जाते हैं, क्या कहलाता है, क्रॉप। वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल, इट इज कॉल्ड क्रॉप। इसको क्या कहते हैं, क्रॉप कहते हैं। क्या कहते हैं, क्रॉप। एक बार फिर से देखिए हम लोग, तो क्रॉप होती क्या है, व्हाट इज क्रॉप। तो वेन प्लांट ऑफ द सेम काइंड आर कल्टीवेटेड एट वन प्लेस ऑन अ लार्ज स्केल इट इज कॉल्ड क्रॉप। इसके बाद नेक्स्ट डेफिनेशन आती है क्रॉप के टाइप देखे हैं मतलब, तो व्हाट, हाउ मेनी टाइप ऑफ क्रॉप, तो देयर आर थ्री टाइप। मेनली कितने होते हैं, इसके टू टाइप होते हैं, लेकिन इसका एक और टाइप मिल जाता है हमको, क्या, जायद क्रॉप। फर्स्ट होता है अपना रबी क्रॉप, सेकेंड खरीफ, और थर्ड आ जाता है जायद। इंपोर्टेंट क्या होते हैं, रबी और खरीफ। रबी क्रॉप देखिए, रबी क्रॉप क्या होता है, ये कब उगाया जाता है, कौन सी इनमें कौन सी क्रॉप आती है। तो द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन, ऐसी फसलें जो कब उगाई जाती है, रेनी सीजन में उगाई जाती है। कब से चलता है, ये जून के टाइम में ये बोई जाती है और सितंबर के टाइम में इनकी कटाई की जाती है। मतलब जो अभी क्या चल रहा है, जुलाई चल रहा है, इसके जस्ट पहले वाली मंथ, मतलब जून जुलाई में काटी गई, बोई गई होगी, जून में और जुलाई में बोई जाती है और सितंबर अक्टूबर में ये काटी जाती है। कौन सी होती है, रबी क्रॉप। अब इसके एग्जाम्पल, तो एग्जाम्पल होगा मेज पैडी सोयाबीन एंड ग्राउंड। फिर से देखिए आप लोग, रबी क्रॉप, द क्रॉप विच आर सोन इन रेनी सीजन ड्यूरिंग जून टू सेप्टेम्बर। ये इंपोर्टेंट है, कब, जून में बोई जाती है और सितंबर में काटी जाती है। एग्जाम्पल होगा मेज, मक्का हो जाता है, पैडी, सोयाबीन, ग्राउंडनट और ईपीसी, और भी बहुत सारी होती है। अब देखिए नेक्स्ट, इसके बाद फिर आता है अपना क्या, खरीफ क्रॉप। क्या आता है, खरीफ क्रॉप में देखें तो द क्रॉप विच आर सोन इन विंटर सीजन, कौन सा, विंटर, सर्दियों के टाइम पे। ये सर्दियों के टाइम पे ये फसलें क्या उगाई जाती है, कब, अक्टूबर से लेके मार्च, मतलब अक्टूबर नवंबर में ये बोई जाएंगी और मार्च अप्रैल में ये काटी जाएंगी। क्या, मार्च अप्रैल में ये काटी जाएंगी। अब इसमें एग्जाम्पल में देखेंगे, मतलब वी, ग्राम, टी, मस्टर्ड, टूटीसी। एक बार फिर से देखें अपन लोग, क्रॉप की डेफिनेशन देखिए, एक पर्टिकुलर एरिया में सेम काइंड के अपन लोग प्लांट को कल्टीवेट कराते हैं, उसे क्रॉप कहते हैं। क्रॉप कितने टाइप का होता है, क्रॉप मेनली टू टाइप का होता है, इसके अलावा एक और टाइप मिल जाता है जिसको क्या होते हैं, जायद क्रॉप। मेन होता है क्या, रबी क्रॉप का होता है, जून के माह में, जून जुलाई में ये बोया जाता है, सेप्टेम्बर अक्टूबर में काटा जाता है। फिर एग्जाम्पल मेज पैड सोयाबीन, जिसमें खरीफ में देखें तो द क्रॉप विच आर सोन इन विंटर सीजन, विंटर सीजन में बोया जाता है या विंटर सीजन में इसकी बुआई की जाती है, अक्टूबर नवंबर से बोया जाता है और मार्च अप्रैल में ये काटा जाता है। एग्जाम्पल वीट, ग्राम एंड पी मस्टर्ड, ईपीसी। अब आता है जायद क्रॉप। ये बरसात के मौसम में आता है, जैसे ककड़ी वगैरह हुई, तो ये ककड़ी वगैरह से ककड़ी कद्दू वगैरह हो गए, ये इसी सीजन में बोई जाती है। ठीक है, तो आप अपनी तीनों की तीनों पर होगी, रबी, खरीफ एंड जायद। हाँ,
तो अब हम लोग कल्टीवेशन देखेंगे। कल्टीवेशन में क्या होता है, स्टेप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन या स्टेप ऑफ क्रॉप कल्टीवेशन, जो क्रॉप का कल्टीवेशन कर रहे हैं, क्रॉप का प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो उसके कितने स्टेप होते हैं। अब उनको ऐसा तो है नहीं कि इस खेत में सीधा बुआई वाई सब कर दी, ऐसा तो होता नहीं। लास्ट में वाली क्लास में, इसके पहले जो क्लास में हमने एक्सप्लेन किया था उसमें हमने सभी बताया, लेकिन किस क्या 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 स्टेप होते हैं, ठीक है। तो फिर से देखिए, हम लोग सबसे पहला स्टेप हो जाएगा प्रिपेयरिंग ऑफ द सॉइल। इट इज द फर्स्ट स्टेप ऑफ द क्रॉप प्रोडक्शन। ये क्रॉप प्रोडक्शन का सबसे पहला स्टेप है, हम लोग क्या करते हैं सॉइल को प्रिपेयर करते हैं, जिससे वो अपनी एक फर्टिलिटी हो जाए, फर्टाइल हो जाए, जिससे अपनी पैदावार अच्छी हो, ठीक है। फिर आता है इसके बाद सोइंग। सोइंग मतलब होता है बुआई। इट इज एन इम्पोर्टेंट पार्ट ऑफ क्रॉप प्रोडक्शन। क्रॉप प्रोडक्शन का एक बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है, क्यों, क्योंकि अगर अपन लोग सोइंग की प्रोसेस नहीं करेंगे, मतलब बीजों की बुआई नहीं करेंगे, तो क्रॉप मिलेगी कहाँ से, है ना। तो ये इम्पोर्टेंट हो गया। फिर अपना थर्ड स्टेप आता है एडिंग मैन्योर एंड फर्टिलाइजर, मतलब खेतों में मैन्योर और फर्टिलाइजर डालना। आप उससे पहले ही बता दें मैन्योर और फर्टिलाइजर होता क्या है। तो मैन्योर और फर्टिलाइजर में अपन लोग क्या करेंगे, इसका डिफरेंस देख लेंगे, ठीक है। डिफरेंस अपन को दोनों की डेफिनेशन भी पता चल जाएगी और दोनों की कैरेक्टर या प्रॉपर्टी भी पता चलेगी। सबसे पहला आता है क्या, मैन्योर होता है क्या, मैन्योर इज अ नेचुरल, क्या होता है ये नेचुरल, जैसे गोबर वगैरह में गोबर कंडे वगैरह इन सभी को मिक्स करके खेतों में डाला जाता है, क्या होता है मैन्योर होता है। लेकिन फर्टिलाइजर क्या होता है, फर्टिलाइजर मैन्योर होता है, इसको फैक्ट्री में बनाया जाता है, अलग अलग केमिकल केमिकल एलिमेंट या केमिकल सब्सटेंस होते हैं, जैसे कि नाइट्रोजन फॉस्फोरस और पोटेशियम, इन तीनों को मिला के बनाया जाता है। अब देखिए सेकंड स्टेप क्या हो जाता है, इट इज प्रिपेयर इन फैक्ट, इट इज प्रिपेयर इन फील्ड। इनको कहां पर प्रिपेयर किया जाता है, फील्ड, मतलब खेतों में खुद प्रिपेयर कर सकते हैं, लेकिन इनको प्रिपेयर करने के लिए कहां चाहिए होता है, फैक्ट्री। ये फैक्ट्री में ही बनाई जाती है, क्योंकि केमिकल इसको बनाया जा रहा है, तो केमिकल का भी फैक्ट्री में ही बनाई जाएगी। थर्ड स्टेप आता है इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस इन द सॉइल। इट डज, सॉरी यहां पे मिस्टेक हो गई, इट डज प्रोवाइड ह्यूमस इन द सॉइल, मतलब मैन्योर की हेल्प से अपने सॉइल में क्या ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ जाती है, ह्यूमस की क्वांटिटी बढ़ जाएगी, तो वो जो अपने सॉइल है या जो अपने सॉइल बहुत ही फर्टाइल हो जाएगी और क्रॉप का प्रोडक्शन बहुत ही अच्छा होगा, ठीक है। अब क्रॉप का प्रोडक्शन अच्छा होगा तो अपन के लिए भी अच्छा ही रहेगा। इसमें क्या होगा, फर्टिलाइजर क्या होता है, इसमें ये इट डज नॉट प्रोवाइड ह्यूमस, मतलब इसकी ये केमिकल होते हैं और जिसकी वजह से ह्यूमस सॉइल में प्रोवाइड नहीं हो पाता। जैसे देखें मैन्योर और फर्टिलाइजर डिफरेंस देखें, तो मैन्योर क्या होते हैं, नेचुरली होते हैं, फर्टिलाइजर क्या होते हैं, मैन मेड होते हैं, वो आगे से फैक्ट्री में बनाया जाता है। फील्ड को फील्ड में खुद को तैयार कर सकते हैं, लेकिन उनको तैयार करने के लिए फैक्ट्री में यूज किया जाता है। फिर इट डज नॉट प्रोवाइड, इट डज प्रोवाइड ह्यूमस इन द सॉइल, मतलब ये सॉइल में ह्यूमस की क्वांटिटी को प्रोवाइड कर देते हैं, जबकि फर्टिलाइजर में ऐसा प्रोसेस नहीं होता है। अब लास्ट नेक्स्ट स्टेप आता है क्या, इरिगेशन या इरिगेशन, इरिगेशन मतलब होता है क्या, सिंचाई। तो द सप्लाई ऑफ वाटर टू क्रॉप एट रेगुलर इंटरवल इन द फील्ड, अपने जो खेत है खेत में रेगुलर इंटरवल एक निश्चित समय के बाद बार बार वहां पे क्या बार बार पानी देना क्या कहलाता है, सिंचाई कहलाता है। सिंचाई कई तरीके से होता है, नहरों से होता है, कुएं से होता है, नहरों से होता है, ट्यूबवेल से होता है, ठीक है। तो इसके अलावा आजकल नए सिस्टम आ गए हैं, मॉडर्न टेक्नोलॉजी आ गई है, तो ड्रिप सिस्टम के थ्रू भी होता है। आपने देखा होगा सिटियों में क्या होता है, एक बड़े बड़े नोजल पाइपलाइन लगा देते हैं, उसमें एक नोजल टाइप का लगा देता है, तो वो घूमता है, घूमने से उसमें पानी फुब्बारे के फॉर्म में निकलता है और चारों तरफ फैल जाता है। तो इस तरीके से भी क्या है, पानी की सप्लाई की जा रही है। फिर आता है अपना क्या, प्रोटेक्टिंग। प्रोटेक्टिंग हमने लास्ट क्लास में बताया था कि प्रोटेक्ट क्यों किया जाता है और किससे किया जाता है। तो बहुत सारे क्या होते हैं, पेस्ट होते हैं और इंसेक्ट होते हैं, ठीक है। तो इनको बचाने, इनसे बचाने के लिए अपन को क्या, अपनी क्रॉप को प्रोटेक्ट करना होता है, जिससे किसकी हेल्प से करते हैं, इंसेक्टिसाइड और पेस्टिसाइड की हेल्प से प्रोटेक्ट किया जाता है। फिर आता है अपना क्या, हार्वेस्टिंग। हार्वेस्टर से
चीनी किसी की कटाई हो जाती है, एक बहुत बड़े बड़े खेतों की कटाई हो जाती है। फिर आता है अपना स्टोरेज, अपन ने हार्वेस्टिंग कर लिया, कटाई कर ली, कटाई करने का जो अपना गेहूं या फिर जो भी अपना अनाज मिला है उसको स्टोर करना होता है, और स्टोर भी अपन लोग एक पर्टिकुलर ऐसे प्लेस पे करते हैं जहाँ पे हम लोग की फसल को खराब ना हो जाए। ओके, तो इसमें अपन ने सभी स्टेप देख लिए हैं और इसकी डेफिनेशन भी देख ली है। अब आपका ये लेसन कंप्लीट हो जाता है, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। अगर फिर भी आपको कोई प्रॉब्लम होती है तो आप हमें कमेंट करें और बताएं, इससे हम आपकी प्रॉब्लम को सॉल्व करेंगे। ओके, ये लेसन 1 आपका कंप्लीट हो गया है। ओके बच्चों, थैंक यू।